दोस्तों जय हिंद जय भारत। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का पार्ट 10 आपके लिए लेके आया हूँ। टॉपिक नंबर 15 आपको दिख रहा है विविध मध्यकालीन भारत, तो मैंने 15 नंबर का टॉपिक है ये। और दोस्तों जिसके पहले के 14 टॉपिक है मैंने आपको भारतीय इतिहास के कंप्लीट पहले के वीडियो में करा दिए हैं, और इस वीडियो में टोटल दोस्तों जो 30 प्रश्न है। तो अपन दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है आपको पता ही है मध्यकालीन भारत के विविध हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों जो डी है ये सम्मिलित है, खजुराहो चंदेल ये सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में स्थित है ये। और दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जयसिंह। हवा महल कहाँ अवस्थित है? दोस्तों हवा महल राजस्थान जयपुर में अवस्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ियां बनानी है? तो 1, 2, 3, 4 इसका सही क्रम है। हल्दीघाटी राजस्थान में स्थित है, पानीपत हरियाणा में, बक्सर बिहार में, प्लासी पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB में पूछा गया था 2004 के अंदर। क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं 7, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों जो सी नंबर का टॉपिक है ये पॉइंट है सही नहीं है, ए बी और डी जो है सत्य कथन है। मैं आपको बता देता हूँ तीनों सत्य कथन। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगा दी, और उन्होंने वेदांत का भी प्रसार किया था। UPSC में दोस्तों ये पूछा गया था प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जयसिंह दित्य ने। क्वेश्चन नंबर 9, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में। प्रश्न संख्या 10 है, दोस्तों निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है हमें, तो 3, 2, 4, 1 सही क्रम है, मतलब सबसे पहले पद्मिनी, उसके बाद दुर्गावती, फिर ताराबाई और अंत में अहल्याबाई। क्वेश्चन नंबर 11, स्थान और स्मारक को हमें सम्मिलित करना है, तो 3, 4, 2 और 1 इसका सही क्रम है, मतलब जो एलिफेंटा की जो गुफा, ये क्या है, गुफा है एलिफेंटा की, और जो श्रवण बेल गोला है ये मूर्ति है, और जो खजुराहो है वो एक मंदिर है, और जो सांची है वो स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अब निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर भी ढूंढना है हमें, तो 2, 4, 3, 1 जो इसका सही क्रम है, मतलब सबसे पहले चंगेज खान, उसके बाद तैमूर लंग, और उसके बाद नादिर शाह, और अंत में अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर अपने पास दोस्तों अब है 15, तो 15 क्वेश्चन में कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक जो है अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन दित्य के राज्यकाल के दौरान हुए थे? तो अंदरकोट मंदिर जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अंदरकोट मंदिर। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजना है, और जो सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही प्रयोग भी इसका बताना है हमें, तो जो पुरातात्विक स्मारक स्थल है और उनके राज्य हैं तो हमें भी बताने हैं, तो इसका सही क्रम होगा 3, 4, 1, 2, मतलब जो शिशुपालगढ़ है ये उड़ीसा में स्थित है, और जो पीपरहवा जो है ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जो गोलपाड़ा है गोलपाड़ा ये अपने असम में, और विष्णुपुर जो है ये मणिपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, कथनों पर विचार करके सही कथन बताने, तो 1 और 2 दोनों ही सही कथन है। तो पहला कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, और पूरी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 18, कथनों पर विचार करके सही बताने, तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन दोस्तों सही है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब एनोरस इब्राहिम आदिल शाहदित्य द्वारा लिखा गया, और भास्कर में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाला संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। ये दोनों ही कथन जो है सही कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास, अब इसमें सही कथन ए जो है सही नहीं है, ये गलत कथन है। ए जो है, बी, सी और डी ये तीनों ही कथन सत्य कथन है, तो मैं आपको तीनों ही कथन बता देता हूँ। सबसे पहले, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अंबेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया, और मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। प्रश्न संख्या 20 अपने पास,
दोस्तों इसमें घटनाओं पर विचार करना है, तो जो सबसे पहले दो मतलब कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, और अंत में विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल हुआ था स्थापित। सूची एक और सूची दो को हमें सम्मिलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम होगा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, 2-3-4-1 होगा। तो दोस्तों 2-3-4-1 से जो एकता है, दिल्ली के सुल्तान, जहांगीर, मुगल, अकरम, विजयनगर, और जो मोकासा का सही क्रम होगा होगा मराठे। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम था 2-3-4-1 था। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों 22 है, तो इस निम्नलिखित पर विचार करना है हमें, तो कालानुक्रम बताना है पहले किसका निर्माण हुआ था। सबसे पहले हुआ था कुतुब मीनार का, उसके बाद तुगलकाबाद का हुआ था, और अंत उसके बाद लोधी गार्डन का, उसके अंत में हुआ था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। दोस्तों ये जो है कालानुक्रम है, मतलब सन के हिसाब से सबसे पहले किसका कौन सन में निर्माण हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था। अब सूची एक और सूची दो को हमें सम्मिलित करना है, तो इसका सही क्रम होगा 5-4-3-2। सबसे पहले मतलब 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया जाना हुआ था, और 1686 में शिवाजी का देहांत हो गया था, और जो 1739 ईस्वी थी इसमें नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं में कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है, तो डी जो सही सम्मिलित है पंपा कन्नड़ में है, तो विषय वस्तु थी दोस्तों ये। आगे चलते दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है भारत में मुगल शासन के दौरान, और तराइन का द्वितीय लड़ाई जो है भारत में तुर्की शासन था उस समय, तालीकोटा की लड़ाई जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, और प्लासी की लड़ाई थी भारत में ब्रिटिश शासन हुआ था उस टाइम। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, अमरावती जो बौद्ध स्तूप है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में, दोस्तों ये बहुत बार आता रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, स्मारक और निर्माता को हमें सम्मिलित करना है क्वेश्चन नंबर 28 में, तो 1, 2 और 3, 4 इसका सही क्रम है, मतलब अलाई दरवाज़ा दिल्ली जो अलाउद्दीन खिलजी इनके निर्माता थे, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर इसके निर्माता थे, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां इसके निर्माता थे, और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब इसके निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास दोस्तों, तो 29 क्वेश्चन में मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय था, बहादुर शाह द्वितीय, ये नवोदय विद्यालय समिति TGT जो टीचर भर्ती परीक्षा होती है उसमें 2016 में पूछा गया था ये, तो मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय था, तो अपने राज्य के पेपर या जो नेशनल लेवल के पेपर होते हैं उनमें अगेन आने की इसकी संभावना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नागर द्राविड और वेसर ये क्या है, तो ये भारतीय मंदिर वास्तु की तीन प्रमुख जो है शैलियाँ हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही इस वीडियो का मुगल काल जो था इसके विविध का जो है 30 वीडियो थे, इसमें 30 प्रश्न थे, समाप्त हो चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक करके बताइएगा मुझे, अगर आप लाइक करते हैं तो मैं समझूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो ये जो सीरीज़ है लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप आराम से देख सकते हैं कोई देखना चाहें तो वीडियो। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।